मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गेस्ट आने थे वो आ गए हैं। देयर यू गो डेलू पर्सी। मैंने कहा मैं पहले पूछ लेती हूँ, मैंने कहा मैं पहले पूछ लेती हूँ भाई ये ब्लॉक करें कि नहीं करें। तो पहले एक चिपकी रहती थी, अब दूसरी भी चिपकी रहती है। आठ पैर मेरे पीछे चलते हैं, चार और चार आठ पैर मेरे अपने तो चलते ही हैं, इनके भी चलते हैं। कॉफी मशीन को ऑन कर देंगे दोस्तों, इस समय कॉफी की बड़ी जरूरत होती है। मतलब ना देखो चला ही नहीं जा रहा। और आपको पता है कल रात को हम लोग ना लिटरली ढाई बजे तक सोए नहीं। अविनाश हमें सोने चले गए, उसके बाद ये तो चुटकी लेके चली गई जबरदस्ती, चलो 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 सोएंगे। लेके तो गई लेकिन हमें नींद नहीं आई। फिर अविनाश एडिटिंग करने बैठ गया, मैं इंस्टाग्राम पे जो रील डालती थी सबको लाइक किया बैठ के। आज कल मैं सबके कॉमेंट्स पढ़े, कुछ 1000 कॉमेंट्स थे इंस्टाग्राम की रील पे, अभी भी रील डाली थी हमने, तो उसपे 1000 कॉमेंट्स थे, सारे लाइक किए मैंने जितने हो सके। कुछ लोगों को जवाब दिया, हाय इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार मिला है हमें, इतना टाइम के बाद रील डाली हमें, इतना प्यार मिला, क्या बताऊं। तो यहाँ पे आ गई है दोस्तों कॉफी, थोड़ा सा पहले इसमें हम पानी डालेंगे। खुशबू ले लो, सिर्फ खुशबू, मतलब एनर्जी नहीं है। कॉफी पिएगी ना, मतलब कॉफी पीऊंगी ना तब आएगी, तब तक अविनाश भी आ जाएगा। पानी कहाँ है? ये माँ बेटी कैची है दोनों, इतना पारी होता है क्या? माँ तो 3 महीने में छोड़ देती है, ये छोड़ी क्यों नहीं माँ तेरे को? मेरी देखो प्यार देखो इनका, ये ऐसे पूरा दिन लगी रहती है दोनों। अभी उसकी बारी आएगी, फिर उसकी बारी आएगी, फिर उसकी बारी आएगी, अब कह रही है तू कर। देखो 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 लात मार के कह रही है तू कर। अब किस कमरे में? मेरे को लगा अभी बेड पे ही हो तुम। कितने बजे उठी? कब की उठ चुकी हो अभी? तुम्हारी कसम मैं सोई ही नहीं। तुमने बोला था कॉफी पी के दोबारा सो रही हूँ। नहीं कसम से मैं बैठी हुई हूँ। अमिता से पूछ लूँगा। पूछो अभी पूछो अमिता, अगर ये आदमी नहीं मान रहा है तो फिर मैं बताती हूँ। बताती क्या हूँ? नहीं, जब तूने कॉफी दी थी मुझे, सुबह की पहली कॉफी दी थी, तब मैं सो रही थी या जग रही थी? जग रही थी। उसके बाद सोई? नहीं। बोलो। वो अमिता को डराया धमकाया गया? नहीं, मैं दोबारा नहीं सोई है कॉफी पी के, इधर आ रही। अरे मैं इधर बैठी हूँ भाई, तब से मैं इधर बैठी हूँ। इसने बेबी जो मेरी हालत करी है सुबह से। यार तुमने उसका पूरा रूटीन खराब कर दिया। सोने के टाइम तुम सोती नहीं हो। अरे मेरा बच्चा, मेरा उसके उठने के टाइम तुम उठती नहीं हो। वो क्या करे यार, मेरा बच्चा, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा बिगड़ गया है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है बेबी। आज से तुम उसके टाइम पे सोगी, उसके टाइम पे उठोगी। 10 बजे चल सोने। कौन कहता है सुबह कभी याकी फेंक रही है, बॉल उठा के फेंक रही है। बेबी उसने मेरे मुंह पे लाके याकी रखी है। मैं बाहर चलाऊ ना तो मेरे साथ भागी है, अच्छा खेलने जा रहे हैं क्या, और मैं निकल गया बाहर। यार इसे उठाने के लिए क्या नहीं, सांप दाम नंद भेद सब कर दिए इसने। चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं। फाइनली मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, तैयार हुए आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। और मेरा बेबी यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, ये देखिए मिल लीजिए इससे, ये भी तैयार है बेबी। दोस्तों 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 कैसी लग रही है देखो? अच्छा लग रहा है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अरे कौन था पीछे? मैं देखो, ये देखो यार अच्छी लग रही हो, शान बहुत दिख रहा है ना। ये हाफ स्लीव पहना करो बेबी। हाँ यार मैं नहीं पहन पाती, मुझे ऐसा लगता है मेरे ना हाथ बहुत मोटे लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेबी, और ना थोड़ी मेरे को ठंडी भी लगती है, मैं हमेशा कवर्ड करती हूं। ऐसा तुम्हें लगता है, हमें नहीं लगता। पहनो पहनो। हाँ स्लीवलेस पहनो, बल्कि स्लीवलेस तो नहीं पहनूंगी। आज डेलनाज घर पे आएगी, तैयारी करनी है। मैं आपको बताती हूँ, हमने ना पारसी ही खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे तो बनाना आता नहीं है, तो पारसी खाना ऑर्डर करा है डेलनाज और पारसी के लिए, और आई होप दे लाइक इट। और कुछ कोशिश करेंगे घर में बनाओ, पराठा वराठा जो चीजें हैं छोटी मोटी चीजें वो घर में बनाओ। मोस्टली जितनी भी चीजें हैं पारसी डिशेस वो मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया। तो जैसे अभी खाना खाने की तैयारी हो रही थी, घर में आई है मेरी छुटकी सी बेबी स्वीटी। कैसे चल रहा है तेरा शो? बहुत मेरा वाला वो वाला शो तो आप
ना, हाँ जो अभी जो अभी जो कर रही है, हाँ वो बहुत अच्छा शूट हुआ है, आप लोग सब देखना, वो आएगा क्राइम दंगल चैनल पे, तो उसका भी देख लेना। बड़े दिनों के बाद आई है मुझसे मिलने के लिए, और पता है इसने ना मुझे एक बैग गिफ्ट किया था, ऐसा ही कुछ, ऐसे कलर का कुछ, और वो अभी तक खोला नहीं है मैंने। मैं सोचू अच्छा चल मैं आज खोल ही लूंगी, लास्ट टाइम गिफ्ट किया था जो मैं दिखाना भी भूल गई और वो मैं खोलना भी भूल गई, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अब पूरी तरह से गर्मी आ जाएंगी, उससे पहले मैं यूज तो करूँ। ठंड का बैग है वो, ठंडी में पहन कैरी करने वाला बैग है। यू मीटिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आफ्टर गणपति। जीवन छोटी बच्ची गुड़िया, छोटी सी गुड़िया है, वो बहुत प्यारी लगती है यार। कितने सालों से मतलब सोचो, लास्ट शो जो साथ में हम लोगों ने किया था, मतलब मेरा लास्ट शो, मैं तो ऐसे ही गई थी, और इससे और अपने जो वो है चाचा से बहुत मेरी वो हुई थी, और इसने मेरी बड़ी हेल्प करी है कई चीजें चाचा जी तक पहुंचाने के लिए। अगर मुझे कुछ भी चाचा को पहुंचाना होता था ना, तो मैं इसको कहती थी कि पहुंचा दे, ये पहुंचा देती थी, ये नहीं बताऊंगी कि क्या ये नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन हाँ चाचा तक मेरी चीजें हमेशा पहुंचती रही है स्वीटी के थ्रू। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दिखा के शो करके नहीं होता, क्योंकि फिर सब बोलते हैं कि अच्छा ये हर एक चीज दिखा के, हाँ लोग कहते हैं दिखावा कर। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत लोगों की ऐसी हेल्प करती है जो वो दिखाती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें दिखा देनी चाहिए, लेकिन हाँ, वो इसलिए दिखानी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर हों, थोड़ा सा वो भी करें, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। बोलनी है, मैं लास्ट टाइम जब संभावना जी के पास आई थी, तो हम लोग वॉक पे गए थे, वापस आते टाइम मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा, वापस आते टाइम यहीं पर संभावना जी ने बोला चल ऑर्डर कर दिया बहुत सारी बिरयानी खाना लोगों के लिए। संभावना जी गुस्सा मत होना, बट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, और इतने सारे लोगों को देने खाना खिलाया, मतलब वॉक करते करते उनको एकदम से आया, फिर संभावना जी ने बोला और कुछ समझ सीख ना सीख, बट जब तू कुछ अच्छा कर लेगी तो लोगों को खाना सिखलाना, और देखो मेरे को घूस बम जा रहे हैं। वो दिन मैंने एक बार किया संभावना दी, किया तो किया, मैंने किया, मैंने खाना नहीं मैंने राशन ही दिया, ये भी बोलने की चीज नहीं, पर ठीक है मैं क्या कितना कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे माइंड में नहीं आता, हम लोग चीजें देख लेते हैं लेकिन करना भी होता है। सो बीसी के साथ हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो जी शाम हो चुकी है और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, लेकिन रेडी हूँ, क्योंकि अभी दिलनाज ने आना था, थोड़ा सा लेट हो गई वो, और अविनाश भी अभी भी फ्री हुआ है, और हमारा पूरा मजमा सज चुका है यहाँ पे शुरुआत के लिए। खाना तो एक्चुअली बाहर से आ रहा है, पारसी खाना आ रहा है बाय द वे, लेकिन खाने के लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ मैं खा पाऊंगा, क्योंकि आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, तो मतलब बहुत ज्यादा ऑयली और मेरे को नहीं पता, मैंने पहली बार ऑर्डर किया वहाँ से, बट आई थिंक ऑयली नहीं होगा। हाँ तो मैं छोटी छोटी चीजें खा लूंगा, राइस रोटी नहीं खाऊंगा। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, जब अविनाश जी ने ये कहा है कि मैं छोटी छोटी चीजें खाऊंगा, डाइट पे हूँ, मतलब अविनाश जी को तो भुखड़ बना रखा, मतलब जैसे कोई खाना ना देखो। मैं भी अपना देखिए अपना, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गेस्ट आने थे वो आ गए हैं। देयर यू गो डेलू पर्सी। मैंने कहा मैं पहले पूछ लेती हूँ, मैंने कहा मैं पहले पूछ लेती हूँ ये ब्लॉग करें कि नहीं करें, तो बिंदास करो। सो आज हम लोगों का मतलब बहुत टाइम के बाद प्रोग्राम बना कि चलो सब मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, एंड डेलू वाज लाइक लास्ट टाइम डेलू के घर पे हम लोग डिनर के लिए मिले थे, मैंने कहा इस बार तुम लोग आओ, इस बार आ गए, थोड़ा लेट आया लेकिन आ गए। तो हम लोग अभी मिलते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं, हम लोग अपनी पर्सनल सारा निपटा लें, उसके बाद फिर आती मैं ब्लॉगिंग में। तो ये हमारे बीच में अभी खाना खाने लगे थे और उसके बीच में इनका इतना हंगामा शुरू हुआ चेरी का कि मेरे को बॉल लेके चलो, शाम को लेके नहीं गई, तो अभी पर्सी और मैं दोनों जा रहे हैं नीचे चेरी को लेके, बिकॉज ही लव्स देम। डेलू बैठी है, हम लोग दोनों लेके आ रहे हैं, चलो आ जाओ, है ना, हाँ चलो मैडम चलो, ये हाल करते हैं मेरा ये लोग, चलो। तो जी यहाँ पे है ये धनसक आप देख सकते हो, देर इज सम पनीर की सब्जी विच आई ऑर्डर्ड, अरे यार तेरी बहुत है, लेकिन ये ना प्रॉपर पारसी खाना है, रुक जा, ये खोल। एंड मैंने सुना पारसी वाला बहुत कम खाया है, मतलब हम भी जब भी लोनावला वगैरह जाते हैं तो वो पर्टिकुलर जगह है पारसी ढाबा, तो वहाँ पे खाते हैं, लेकिन आज मतलब दिलनाज़ ने मेरे को नंबर दिया था और वहीं से मैंने मंगाया, मैंने कहा लेट मी ऑर्डर फ्रॉम देयर बिकॉज दे विल लाइक पारसी फूड, मेरे को तो आता नहीं बनाना पारसी। इसको कहते हैं फारचा, दिस इज सम फारचा, ओके तो इसको अरे कर लेते हैं, हाँ गर्म है, ये कुछ ब्राउन राइस आए हैं साथ में, तो ब्राउन राइस इसमें डाल लेते हैं, वैसे अभी तो काफ़ी है ब्राउन राइस। बस इतना ही रहने दे, पहले इतना गर्म करते हैं, वो निकाल अभी तक, ये निकाल। हेलो पीपल, हाँ मैं पर्सी हूँ, ओके, और फर्स्ट टाइम अभी देखो
संभावना जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ पे अब कॉफी मतलब सोचो रात के 10 बजे 9:30 बजे 9:30 बजे डेल्यू को कॉफी पीनी है कैपेचिनो एंड आई एम मम्मी देखिए आप लोगों ने तो देखा होगा भाई माय यू आर अमेज्ड आई थिंक यू नो इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ मग फॉर योरसेल्फ ना एक बार ऐसे खोल के देख लोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि ये अंदर के आए और इतने मग्स है मेरे पास लाइक वाओ इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग कलेक्शन तो इस समय हमारी डेलू की और पर्सी की कॉफी बनेगी आई थिंक अविनाश भी शायद पी ही लेगा अविनाश खड़ा ही हुआ है यहाँ पे डेलू डू यू वांट टू से समथिंग वी आर मीटिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम यस आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी संभावना दैट वी जस्ट यू नो संभावना और मेरा एक होता है हम लोग साल में एक बार मिलते हैं और जब भी मिलते हैं आई थिंक ना भी वो तो भी अदरवाइज भी जब भी मिले हैं इट इज दैट कनेक्शन इट इज दैट बॉन्ड जहाँ से मिले वहीं से जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं हम लोग दैट वे इट इज ऑलवेज अ प्लेजर जब भी मैं डेलो को मिलती हूँ आई थिंक मेरे कई बार व्लॉग्स में आई है लेकिन वो गणपति के टाइम पे आई है जल्दी जल्दी में आती है और जल्दी जल्दी में भागती है और हम लोगों को मिलने का मौका मिलता नहीं है बात करने का मौका नहीं मिलता फर्स्ट टाइम डेलो से आज व्लॉग में मैंने कहा प्रॉपर बनेगा डेलो जी चलो चालू कर व्लॉगिंग चल तो अभी डेलो से बात करो एंड आज तो अविनाश से भी बहुत बातें की है अविनाश के बारे में डेलो को बहुत कुछ नहीं पता था यस I have always heard such nice things about Avinash के बहुत अच्छे एक्टर है और अब मुझे पता लगा आज के वो इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्म और सीरीज लिख रहे हैं I am wanting to just wish him all the very best because he's super talented yeah and Avinash all the best मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान हो नहीं वो आपका बड़प्पा नहीं आप ऐसे बोल रहे हो हम मैं तो आपका फैन हूँ आपकी फिल्में देख के इनका प्ले देखने हाँ हम लोग प्ले देखने के लिए गए थे जो इस लड़की ने परफॉर्मेंस करी है मतलब हम लोग चिल्ला रहे थे आई थिंक वहाँ पे साइड नॉट जस्ट वर्बल कॉमेडी फिजिकल कॉमेडी वो भी इतना लंबा शो 90 मिनट क्या रॉन्ग नंबर आप लोगों को जहाँ भी आ रही हो और रॉन्ग नंबर थिएटर में आ रहा हो किसी भी थिएटर में जहाँ पे ये प्ले हो रहा हो यू शुड नॉट मिस दैट वी हैव लव्ड इट एंड लव्ड हर परफॉर्मेंस आई थिंक सारी एक्ट्रेस बहुत ब्रिलियंट थे उस प्ले में ना सभी का किरदार बहुत है लेकिन बात ये थी कि 3 साल से चल रहा है कोविड में ब्रेक हो गया लेकिन एक्टिंग में कोई ब्रेक नहीं आया चलो सिलेक्ट करो बताओ कौन सा लोगे आई थिंक देखो स्टारबक्स चाहिए तो ये भी स्टारबक्स है हाँ ये तो हमारे पास है वो ऊपर भी स्टारबक्स है देखो ऊपर पर कौन सा वाला कौन सा आई वांट टू टेक योर गेस आई वांट दिस ओके नाउ टेल मी व्हाट इज व्हाट आर दैट नो नहीं कौन सा वाला वो वाला स्टारबक्स सो कौन सा वाला देन ये आई एम मिस्टर राइट जो कि पर्सी और डेलनास लेके आए थे लेकिन वो कट नहीं पाया तो वो कल काटना वहाँ पे कल काटूंगी आप लोगों को इतना लेट हो गया बातें करते करते कि हम लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ कि कितना टाइम निकल गया एंड वी हैड अ Rollicking time and we had great Parsi food. Imagine. हाँ. They got Parsi food for us. हाँ. मतलब इन्हीं से नंबर लेके कि कहाँ से मंगाना है और Parsi food मंगा के हम लोगों ने खाया है. तो इतना मजा किया आज का अपन time and evening like really. Yes. He really loved it. And मैं चाहूँगी कि DJ Parsi के लिए. बोला करो इसको प्लीज बोलो दोस्तों एक जल्दी से रोड ट्रिप आ रही है जो हम चारों जा रहे हैं वेरी सून दैट व्लॉग आल्सो विल बी फैंटास्टिक सो कीप वाचिंग डन विद दिस वी एंड दिस व्लॉग और यहाँ पे एंड करें क्योंकि अब ये लोग निकल रहे हैं हम लोग अपने घर को निकल रहे हैं अंदर को ये अपने घर को निकल रहे हैं बाय वी लव यू ऑल एंड आपको मिलते हैं कल टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज संभावना से एंड Bye.